हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक स्कॉलरशिप की योजना लेकर आया हूं और यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चों की छात्रवृत्ति से संबंधित है। और इस योजना में मैं आपको बता देता हूं कि किन किन व्यक्तियों को यह स्कॉलरशिप मिल सकती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उनके लिए कि यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है, अंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। अंशदाता यहाँ किसको कहा गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि वह व्यक्ति जो हरियाणा राज्य के किसी भी औद्योगिक कमर्शियल संस्थान में श्रमिक या कार्य करते हैं, जो कहीं पर भी किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, कहीं पर भी कोई काम करते हैं और उनकी मंथली आय जो है 25,000 रुपये से कम है, यदि उनकी आय 25,000 रुपये से कम है और उन्हें काम करते हुए 1 साल हो चुका है, 1 वर्ष उनको वहाँ काम करते हुए हो चुका है, तो यह योजना उनके लिए है। तो मैंने 2 कंडीशंस यहाँ पर बताई हैं, दोनों कंडीशन उनकी पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्यक्ति को वहाँ पर काम करते हुए 1 साल का समय हो जाना चाहिए और उसकी 25,000 रुपये कि इनकम होनी चाहिए, इससे कम इनकम होनी चाहिए 25,000 से मंथली, मंथली मोड में इससे ज़्यादा की सैलरी उसकी नहीं होनी चाहिए। तो इन 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तब आप इस योजना के, उनके बच्चे इस योजना के पात्र हो जाते हैं। तो इसके लिए हरियाणा सरकार की योजना है और हर साल यह योजना चलाई जाती है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि उनके पास यदि लड़के हैं तो भी उन्हें यह योजना मिलेगी, यदि लड़कियां हैं तब भी वह इस योजना के पात्र हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यदि बच्चा 9th या 10th क्लास में पढ़ रहा है तो उसके लिए छात्रवृत्ति है 10,000 रुपये की, उसे 10,000 रुपये मिलेंगे। यदि बच्चा ITI या किसी डिप्लोमा के अंदर स्टडी कर रहा है तो भी उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। यदि बच्चा +1 या +2 के अंदर स्टडी कर रहा है तो उसको 12,000 रुपये मिलेंगे। यदि बच्चा उनका किसी भी स्नातक डिग्री के अंदर है तो उसको 15,000 रुपये मिलेंगे। यदि उनका बच्चा, जो बच्चा है, किसी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कोई फार्मेसी कोर्स या कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है 1 साल का, तो भी उसको 15,000 रुपये मिलेंगे। यदि बच्चा किसी भी प्रकार की डिग्री कर रहा है या बी फार्मेसी है, बीटेक वगैरह कर रहा है, इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है, तो उसे 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यदि बच्चा स्नातकोत्तर डिग्री, किसी भी प्रकार की MA या कोई हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो भी उसको 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यदि बच्चा किसी भी प्रकार की मेडिकल डिग्री में है, MBBS है, BAMS है, तो उसे 21,000 रुपये की सहायता राशि प्रत्येक वर्ष दी जाएगी। यदि वह स्टडी करता है, इसके लिए अप्लाई करता है, तो यह योजना उसे हर साल उपलब्ध करवाई जाएगी, इसमें उसे कोई समस्या नहीं है। इस योजना के लिए जो व्यक्ति है हर साल की 31 दिसंबर से पहले पहले अप्लाई कर सकता है। 31 दिसंबर इस स्कॉलरशिप की लास्ट तिथि होती है, उसके बाद फॉर्म यदि आप भर भी देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उससे पहले ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। यदि कंडीशंस और भी हैं, यदि श्रमिक का बच्चा कहीं और से स्कॉलरशिप ले रहा है तो उसे यहाँ से स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, और जो भी डिटेल वो दे वो बिल्कुल सही और सटीक होनी चाहिए। यदि बच्चा स्वयं नौकरी करता है तो भी उसे स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। और सेकंड, यदि बच्चे की कहीं पर कंपार्टमेंट आ जाती है, रीअपियर है, तो भी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। श्रमिक की सेवा अवधि 1 साल कम से कम होनी चाहिए और श्रमिक का जो मासिक वेतन है 25,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, कम चाहे कितना भी हो लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत पड़ेगी।
एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट की तरफ से लिख कर दिया जाएगा। जिस भी कंपनी के अंदर, स्कूल में, किसी भी संस्थान में आप काम करते हैं तो वहाँ पर लिख कर दिया जाएगा कि आप हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो यहाँ पर चाहिएगा। शिक्षा का प्रमाण पत्र चाहिएगा, जिस भी स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चा पढ़ता है वहाँ के प्रिंसिपल से लिखवा कर देना होगा, और राशन कार्ड। ये चार दस्तावेज आपको केवल चाहिए इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इसके अलावा क्या कंडीशंस है उसकी, यहाँ पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर कंडीशंस एक और हैं कि जो कर्मचारी है, जो भी प्राइवेट किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ पर एक मेन सिस्टम रह जाता है कि उस कंपनी से उस व्यक्ति का वेलफेयर फंड कटा होना चाहिए, वेलफेयर फंड कटा होना चाहिए। यदि व्यक्ति का वेलफेयर फंड नहीं कटता है तो आप इस स्कीम के पात्र नहीं हैं। आपका वेलफेयर फंड कटना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है, अन्यथा आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आप इन योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। और इस प्रकार की योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए यहाँ पर नई नई योजनाएँ जो भी हरियाणा या भारत सरकार या अन्य क्षेत्रों से चलाई जा रही हैं उनके बारे में आपको सटीक जानकारी देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, और यदि कोई इसमें आपको कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दें। वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।